फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ. ओके, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा डिहाइड्रेशन होगा, इसीलिए कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. कैसे होगा देख लेते हैं. इट इज सी एच एन एच टू एंड इट इज आर वन एंड इट इज सी विल मेक इट प्रॉपरली सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. ठीक है ना. अब हम फिर से इसी तरह से लिख देते हैं दूसरा वाला भी. प्लस इट इज एन एच एंड इट इज एच. गॉट इट और नॉट. एंड इट इज सी एच इट इज आर टू एंड इट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है टीचर्स? आपको दिखाई दे रहा है टीचर्स यहाँ पर दो एमिनो एसिड्स बने हुए हैं. अब हमें इनको जोड़ना है, इनको दोनों को हमें यूनाइट करना है. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वाटर निकालना पड़ेगा. और वाटर निकालने से क्या होगा? यहाँ पर इस सी और एन के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा. और इसी को बोलते हैं सी और एन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है सिंथेसिस. और डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा है, पानी तो निकल ही रहा है, देख लीजिए वाटर का रिमूवल तो हो ही रहा है, इसीलिए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलो या कंडेंसेशन बोलो, एक ही बात है. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. हमेशा याद रखिए जब भी दो मोनोमर्स जुड़ते हैं हमेशा वाटर जो है वो रिमूव होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. और जब भी पॉलीमर बनेगा, है ना, पॉलीमर से जब भी मोनोमर बनेगा देन देयर विल बी द एडिशन ऑफ वाटर. सो इट इज लाइक दिस.